खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन की हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जागया मन कबल सहज प्रगासिया अपहै निरंजन कर है लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार भरे होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों टटिया तुद डिठे सच्चे पात साह माल जन्म जन्म दी कटिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसौ संत आगा गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारा एहो विश्राम निद पाई पानी पखा पीसाओ संत आगा गुण गोविंद जस गाई परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं गरीब नवाज सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन करन दा हाजरियां भरन दा इस महान श्रोमणी गुरु केंद्र तीर्थ स्थान दियां यात्रावां करन दा शुभ सुभागा समां प्राप्त हो रहा है। आप संगतां धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणा विखे जुड़ करके गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे सत संगत दा आनंद माण रहे हो। पंज बाणियां अमृत वेले दे नितनेम दियां आप जी ने सरवण कीतियां हन। उस तो उपरंत आसा जी दी वार दा कीर्तन रागी सिंघां दी रसना तो आप जी ने सरवण करके आनंद माणिया है। इस महान कीर्तन दी दात सब तो पहला धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने साढ़े उत्ते महान रहमतां करके बख्शिश करके साड़ी झोली विच पाई और नाल नाल गुरबाणी दी कथा दी दात दी भी सतगुरु जी ने साढ़े उत्ते महान बख्शिश कीती है। धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे अखंड कीर्तन तन भोजन चूरा कहो नानक जे सतगुरु पूरा ऐसा महान कीर्तन दा खजाना अठे पहर दा सानू बख्शिश कीता है।
पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई सुखा नू देन वाली ये महान दात कीर्तन और कथा उदों इस दी बख्शिश हुंदी है जदों वाहिगुरु परमेश्वर इस जीव पूर्वले पवित्र कर्मा करके शुभ कर्मा करके इस जीव नू संसार पौडल तो तारना चाहुंदा है इस दा उधार करना चाहुंदा है। इस प्राणी मात्र दे मनुखा जीवन दी वाहिगुरु जदों कल्याण करनी चाहुंदा है फिर कीर्तन कथा दी दात सुन वास्ते सतसंगत दे अंदर प्राप्त हुंदी है। अज जो सतखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो श्री मुखबाग सानू बख्शिश होए हन उन्हां दी कथा आप संगतां मन बिरती नू अकागर करके सरवण करो। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी दे दर तो सेवा दी दात किवें प्राप्त करनी है सेवा दी दात किवें मंगनी है और सेवा नू प्राप्त करके बख्शिशां की प्राप्त हुंदियां हन ओ परम पवित्र उपदेश सानू धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी बख्शिश कर रहे हन। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा तनासरी रागनी अंदर धन गुरु नानक साहिब जी दे पंजवें स्वरूप धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी परम पवित्र उपदेश दी बख्शिश कर रहे हन। पानी पखा पीसो संत आगा जीवन दे विच संगत नू जल छकाउणा और पखा झलना और चक्की विच दाने पीस के संगत नू लंगर छकाउणा ये तीन सेवावां दा बहुत वड्डा महात्म सतगुरु जी ने सानू बख्शिश कीता है। और जेड़े संत है उन्हां दे अग्गे कहिंदे ये सेवा करनी है। संत शब्द दा प्रयोग करना बहुत सुखैन है। संत शब्द दा नाम हर प्राणी जोड़न विच मैं वेखदा अज दे युग विच बहुत काला है। हर बंदा संत शब्द जोड़न लग्या धार्मिक पक्ष विच जदों असी वेखदे हाँ संत शब्द नू लाउण विच बड़ी काली कीती जांदी है और संत शब्द अपने नाल जोड़ जोड़ के लोग अपने आप नूं संत अखवाउण दे विच बड़ा माण महसूस करदे है। पर संत बनना बहुत कठिन है बहुत कठिन है। सतगुरु जी ने संत दी अवस्था दा गुरबाणी विच बहुत थावां ते जिक्र कीता है। जिन्हां सास ग्रासना विसरै हर नामा मन मंत धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत जिन्हों अठे पहर स्वास ग्रास वाहिगुरु दा नाम नहीं भुलदा वो संत है। और जेड़ा ऐसी अवस्था वाला गुरमुख जन है उस दे दर्शन करके उदी संगत करके उस पास बैठ के भी महसूस हो जाता है। बर्फ दियां पहाड़ियां कोल जा के ठंड मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी आपे ठंड प्राप्त होण लग जाती। बिरछ कोले जा के शान दी शीतलता नहीं मंगण दी लोड़ आपे शीतलता मिलन लग जाती है। पानी दे दरिया दे किनारे जा के ठंडक महसूस होने लग जाती है। जिस दी ऐसी अवस्था है जिन्हों वाहिगुरु का नाम नहीं भुलदा उदी संगत करके उदे पास बैठ के महसूस होने लग जाता है। उदी अवस्था नू वेख के पता लग जाता है कि ये संत है।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿੱਠਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿਆਲ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਦੂਜਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰੇ, ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਮਨ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤਿਲ ਪੀੜ ਤੇਲ ਕਾਢੀਅਤ ਕਸ਼ਟਕ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਜਰਾਇਓ ਜਿਆਰੋ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕਾਟੀਆ ਅਜਾ ਕੋ ਤਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਜੈ ਤਾਤ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਸੋ ਪਿਆਰੋ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਤਾਂ ਉਟਾਏ ਦਰਪਣ ਕੀਜੈ ਲੋਸ਼ਟ ਸੇਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਗਹਿ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਸੰਸਾਰੋ ਜੀ, ਤੈਸੇ ਦੂਖ ਭੋਗ ਸੁਧ ਸਾਧਨ ਕੈ ਸਾਧ ਭਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਰਤ ਜਗਤ ਕੋ ਨਿਸਤਾਰੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਯੋਗ ਬਣਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੜਨਾ ਪਿਆ, ਢਾਲਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਿਆਂ ਘਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਾਲਦਿਆਂ ਘਾਲਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਔਰ ਮਨ ਤਨ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਖਾ, ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਅੱਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਟੂਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਹੱਥੀ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੰਤਰ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪੀਸ ਕੇ ਪੀਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦਾ ਹੈ।
कि ठीक है नलके तो पानी पी लोगे, टूटियां तो पानी खूहां तो पानी पी लोगे, पखे दे अगे शीतलता लै लोगे, दाने मशीना विच पीसे हुए लै लोगे, पर इन्हां नाल मन की मैल नहीं दूर हुंदी, हंकार नहीं इन्हां नाल दूर हुंदा। हंकार उदों लहिंदा जदों बंदा आप हत्थी सेवा करदा। नवाब कपूर सिंह जी श्री अकाल तख्त साहब जी दे अगे खालसे नूं लक बन के आप पखा झलण की सेवा करिया करदे सन, संगतां नूं पखा झल्लिया करदे सन गर्मी की रुत्त विच। और भाई मीहा साहिब धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे समय तमतान साहिब संगतां नूं सारा सारा दिन जल छकाउण की सेवा करदे, जिन्हां नूं धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सिक्खी दे प्रचारक थाप के जिन्हों का नाम ही भाई मीहा साहिब रख के सतगुरु जी ने निशान साहब नगारा ते बैल दिता कि जाओ पूर्व दे इलाके तक सिक्खी का प्रचार करो। भाई हेमा जी चक्की नाल दाने पीस पीस के संगत को लंगर छकाउण की सेवा करिया करते सन। धन गुरु अर्जन देव साहब जी जदों खानपुरी जिथे अज गुरद्वारा खान छापड़ी साहिब है इस इलाके विच गए नाल भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी भाई विधि चंद साहब ऐसे महान गुरसिख महापुरख भी नाल सन। तब बरसात पैन लग गई। भाई गुरदास जी कहिंदे महाराज इत्थे नेड़े नगर है खानपुरी, आपां उत्थे जा के किते किसी घर विच कुछ समा आराम करिए। सतगुरु जी कहन लगे भाई गुरदास जी जिहो जिहा समा आ बने उहो जिहा गुजार लेना चाहिदा, वाहिगुरु की रजा दे विच रहना ही ठीक है। पर बार बार बेनती करन तो महाराज जाणदे सन कि इत्थों दे लोक बड़े हंकारी, शराबां विच मस्त रहण वाले मनमुख नास्तक ख्यालां दे पठान लोक हन, इन्हां ने जगह नहीं देनी। जदों भाई गुरदास जी बाबा विधि चंद जी नगर विच गए, कोई कहिंदा साडे घर विच प्रौहणे आए आ, कोई शराब पी रहा, कोई बेसमावां दे नाच गायन सुन रहा, मस्त हन आपो अपने रंगां दे विच, सारिआं ने इनकार कर दिता, भाई साहब वापस आ गए। महाराज कहिंदे उदास होण दी लोड़ नहीं, नगरी दे बाहर बाहर भाई हेमा साडा प्यारा सिख रहिंदा, उस दे घरे चलदे हां। भाई गुरदास जी नू गुरसिखां नू नाल लै के भाई हेमे दी झौंपड़ी दे विच सतगुरु जी जदों गए, भाई हेमे ने वेख के गदगद मन हो गया। अपने उत्ते लई हुई भूरी दी कंबली दे नाल सतगुरु जी दे चरण झाड़ के आसन ते सतगुरु जी नू सुभाए मान कीता, फिर हत्थी चक्की नाल दाने पीस के लंगर तैयार करके प्रशादा छकाया। महाराज कहिंदे भाई हेमा मंग की मंगना? कहन लगे महाराज वाहिगुरु परमेश्वर दे चरणा नाल नाम नाल मन जुड़िया रहे। महाराज कहिंदे कोई रिद्धियां सिद्धियां दी इच्छा? कहन लगे नहीं महाराज, कोई दुनिया दे सो कोई रिद्धियां सिद्धियां चाहीदियां ही नहीं हन। चार पदार्थ मंग लै नहीं महाराज, कोई राज भाग मंग लै नहीं सच्चे पातशाह। महाराज कहिंदे चंगा, नाम दी दात भी तेनू प्राप्त होई, ब्रह्म ज्ञान दी भी दात तेनू प्राप्त होई, रिद्धियां सिद्धियां भी तेरे दर ते सदा सेवा करिया करनगियां, हाजर रहा करनगियां, तेरी इच्छा होवे वरत लई नहीं वरतनी ना वरती, नहीं वरतनियां ना वरती। सो ऐसे गुरसिख हत्थी चक्की नाल पीस पीस के दाणा संगत नूं प्रशादा छकाउणा। अमृत वेले एक दिन मुराले नगर विच महापुरख गुरबाणी की कथा कर रहे सन महात्मा संत बाबा बिशन सिंह जी। उन्होंने कथा करदे एक सवाल संगत दे विच रखिया, कहन लगे भाई सब तो उत्तम सेवा केड़ी है, केड़ी सेवा करनी चाहीदी है? तां संगत विचों महापुरख दमदमी टकसाल दे बारहवें मुखी, दमदमी टकसाल दे ग्यारहवें मुखी पंथ रतन ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले दे पिता बाबा खजान सिंह जी कथा सुन रहे सन।
उठ के खड़े हो गए, गल विच पल्ला पा के कहन लगे, महापुरखो सूरज नूं दीवा दिखाउण दी लोड़ नहीं हुंदी, सूरज आप प्रकाश स्वरूप है, इस करके चंद्रमा नूं भी नहीं प्रकाश दिखाउण दी लोड़ है। आप नालों कौन वड्डा ज्ञानवान है कि तुहानूं असी दसीए। कहन लगे नहीं भाई, साडा फुरना है। ता कहन लगे जी, सब तो उत्तम सेवा चक्की नाल आटा पीस के लंगर दे विच प्रशादे पका के संगत नूं छकाउणे, ये सब तो उत्तम ते महान सेवा है। करनी वाले महापुरशां दी कालना कैसी महान हुंदी है। उस दिन तो आप चक्की नाल दाने पीसने शुरू कर दिते। अमृत वेले जिहड़ी देग बनदी, रोजाना ताज़ा आटा अपने हत्थी पीस के देग विच और लंगर दे विच पाया करदे। देग तैयार करके फिर दो घंटे गुरबाणी दी कथा संगत नूं सरवण करवाउणी, फिर आप तंदूर ते हत्थी प्रशादे पका के संगतां नूं छकाउणे। लम्मा समा कई साल ऐसी महान कालना वह ब्रह्म बेते महापुरख करते रहे। और उन्हां तों बाद संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले भी जिन्ना चिर मुराले उन्हां महापुरखां दे पास रहे, हत्थी चक्की पीसण दी सेवा आप करिया करदे सन। सो ऐसियां महान कालना, महान सेवावां गुरसिखां ने अपने जीवन विच कीतियां हन। सो इस करके पानी पखा पीसो संत आ गए। संत अवस्था दा गुरमुख दा नाम भी है, संत सतगुरु दा नाम भी है। संत तो श्रेष्ठ सतगुरां दे दर दे अगे संगतां नूं जल छकाउण दी सेवा, जिवें धन बाबा सुबाया सिंह साहब जी उत्तर ते पूर्ब दे कोने वाली जिहड़ी छबील है परिक्रमा दे विच सरोवर दे किनारे, ये धन संत बाबा सवाया सिंह जी की याद विच बनाई गई सी। वो महापुरख श्री अमृतसर साहब रह के किन्नी वड्डी सेवा करदे। गर्मी की रुत्त विच उदों साध संगत जी अजे जल छकाउण दे बहुते साधन नहीं सन, छबीलां नहीं लगियां हुईयां सन। आप जी ने खूहां तो ठंडा जल भर भर के घड़ियां दे विच लै के आउणा ते बाटे सुखमांड करके परिक्रमा दे विच सारा सारा दिन संगतां नूं जल छकाउण दी सेवा करनी, आप संगतां नूं जल वरताउण दी सेवा करनी, और कौले भी संगतां दे जूठे आप मांडणे। एडी वड्डी महान सेवा प्रभु दे प्यारे सतपुरश महापुरख करदे रहे। इस करके जल छकाउणा, संगत नूं पखा झलणा और चक्की दे विच आटा पीस के संगत नूं प्रशादे बना के छकाउणे। महापुरख संत बाबा मित सिंह जी गुरद्वारा माता साहिब देव कौर जी वाले आप कई वारी आटा पीस के संगतां नूं प्रशादे पका के आप छकाया करदे सन। सो साध संगत जी ऐसे ऐसे गुरसिख गुरमुख आत्मावां हुईयां जिन्हां ने इस सेवा नूं अपने हत्थी कीता ते करके विखाया, और वो पूर्ण संत भी सन। इस करके महाराज कहिंदे पानी पखा पीसो संत आ गए। ये परमेश्वर दे दर दी जिहड़ी सेवा करनी है, जल छकाउणा, पानी पिआउणा, गर्मी विच पखा झलणा और चक्की नाल दाणा आटा पीस के प्रशादे छकाउणे हन, ये सेवा अपने श्रेष्ठ सतगुरु दे दर ते ऐ गुरसिख करिया कर। संत साध नाम निर्मलता के कर्म, जिहड़े ऐसे निर्मल कर्म करन वाले गुरसिख आत्मावां महापुरखां नूं उहनां दी आग्या विच रह के, उहनां दा वचन मनन रूप आग्या विच रह के ये सेवा उहनां दे अगे हमेशा निम्रता धार के करिया कर। आग्या सम नहीं साहिब सेवा, आग्या मनन नालों वड्डी होर कोई सेवा नहीं। संत क्यों आग्या करदा कि भाई तू पानी छकाया कर, संगत नूं ठंडा जल छकाया कर, गर्मी दी रुत्त विच पक्का झल्लिया कर, चक्की नाल आटा पीसिया कर। वो तां आग्या करदा
कि जल छकाउण नाल तेरा तपिया मन शीतल हो जाएगा। जिवें पखा ठंडी हवा दंदा गर्म हवा नू दूर कर दंदा, इस तरह तेरे अंदरों वकारां दी तपश दूर हो जाएगी, शीतलता आ जाएगी। और चक्की दे विच जिवें दाने पीसे जांदे है, इस तरह तेरे वकारां नू ओ पीस देवेगा, मेट देवेगा, जे तू अपने सतगुरु दे दर ते संगत दी इस तरह सेवा करेगा। इस तरह साध संगत जी, पानी पखा पीसो संत आगै, प्रभु दे प्यारियां दे अगे पानी केड़ा प्रेम रूप जल पीना कर, और सतगुरु दे दर दा परमेश्वर दे दर दा पख लैना कर। पखा की झलना, पख लैना। और सरबण मनन रूप जो दो साधन है, ये दो पुड़ां दे विच अपने विकारां नू अपनियां वासनावां नू पीसना कर। गुण गोविंद जस गाई, गोविंद जो वाहिगुरु परमेश्वर है उस दे गुणा नू सदा वास दे उस दी महिमा नू रसना नाल गाया कर। सास सास मन नाम समार, पहला जाप करना रसना गुण गोपाल निध गायन। जदों जाप करद्या करद्या मन थक जाए, फिर श्वास पर श्वास मन विच नाम दा सिमरन करना, वाहिगुरु नू चेते करना। पहला बाणी पढ़नी, फिर नाम जपना, फिर श्वास श्वास सिमरन करना। ये तिन्ने साधन हन। पहला जाप दा साधन है, फिर सिमरन दा साधन है, और इहदे नाल सेवा दा साधन है। सेवा दी महानता किड्डी वड्डी है, सेवा करत होए निहकामी तिसका होत प्राप्त स्वामी। जिहड़ा निष्कामता नाल पाणी संगतां नूं ठंडा जल छकाउंदा है, पखा झलदा गर्मी दी रुत्त दे विच, दाणे चक्की विच पीस के सेवा करदा है, निष्कामता नाल बिना इच्छा तो उहनां नूं वाहिगुरू दी प्राप्ति हो जांदी है, एड्डी वड्डी सेवा दा फल है। धन गुरु नानक साहब जी तो लैके दसम पातशाह जी तक गुरसिखे सारियां सेवावां करके घालना घाल दे रहे हैं। और जे भाई कोई कामना है मन दे विच कि साड़ी आ इच्छा पूरी हो जाए, तो सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हमें विच्चों जाए। संत बाबा सुंदर सिंह जी नगर तख्तूपुरे विच धन गुरु नानक साहब छेवें पातशाह दसम पातशाह जी दे अस्थान की सेवा करवा रहे सन। उदों उन्हां समयां विच साध संगत जी चूना रोड इकट्ठे करने, धो के साफ करके उन्हां नूं अग विच साड़ना, फिर वड्डे वड्डे चक्कां विच पीसना, फिर रला के चनाई दे काम विच लिया जांदा सी। और महापुरख उस अस्थान की सेवा संगतां नूं नाल लैके आप करवा रहे सन। अंग्रेज राज दा समां सी। हुण जदों चूना रलाउणा हुंदा सी, उहदे विच वड्डे वड्डे नौजवान भी अंदर नहीं वड़दे, जिवें कहानी करदे सन ना लोग पुराने समयां विच मिट्टी दी, उह चूने नूं रलाउणा पैंदा सी। लत्तां ते हत्थां पैरां विच बहुत वड्डे वड्डे जख्म हो जाणे और खून वगण लग पैणा। महापुरख संत बाबा सुंदर सिंह जी ने संगत दे सुत्तियां सुत्तियां रात नूं आप सारा चूना कई नाल रला के तैयार कर देना, किसी नूं पता भी ना लगन देना। और एड्डी वड्डी सेवा करद्या करद्या सारा नगर सारा इलाका इस सेवा विच आया करदा सी। कुछ नौजवान नगर दे चक्कां दे विच चूना पीसण वास्ते ना आए। महापुरश कहण लगे, भाई वह क्यों नहीं आए चक्कां दे विच चूना पीसण वास्ते? कहिंदे जी लोक गए, गर्मी बहुती है, भादरों का महीना है, वह सेवा करन वालों जा के लोक गए, टाला वट गए। भगत मुखे ते बोलदे से बचन हो बंदे, सुते बचन हो गया। कहिंदे भाई जे गुरु नानक साहब दे घर दी चक्की नहीं पीसी, तो हुण फिर होर किसे दियां जा के चक्कियां तो पीसणियां पैणियां ही पैणियां। कर्म रोग कर्म पाप उन्हां दा कटिया जाना सी।
पिंड दे विच कतल होया, अंग्रेज राज सी, फड़े गए सारे नू, कैद हो गई ते जेल दे विच बंदी खाने दे विच पै के उन्हां नू फिर दस दस पंद्रह पंद्रह साल चक्कियां पीसनियां पईयां सरकार दे हुक्मां दे तहत। जे गुरु घर दी चक्की पीस लैंदे ना फिर वो कर्म जिहड़ा सी साध संगी पाप कर्म मिट जाना सी। गुरु का शब्द कट है कोट कर्म, गुरु की कृपा, गुरु का नाम, गुरु के दर की सेवा करोड़ों पापा नू मेट दिंदी है। इस करके ऐसिया घालना वाहिगुरु के प्यारे करते रहे, इस करके सेवा करके माड़े कर्म भी कट्टे जाते हैं, मन इच्छित दाता भी प्राप्त हो जाती। इस करके श्वास पर श्वास पहला बाणी पढ़नी, नाल सेवा करनी, फिर श्वास श्वास मन नू नाम दे विच जोड़ के रखना, मन द्वारा नाम नू जां सुरत कह लो सुरत द्वारा नाम नू चेते रखना, यूं आउंदे जांदे सांस ग्रास द्वारा नाम नू चेते करना, मन नू नाम दे विच जोड़ के रखना, ला के रखना। एहो विश्राम निद पाई, ये सब तो वड्डा निद खजाना है मन दी एकाग्रता दा टका पाउण वाला। यही वाहिगुरु दे चरणा दे विच असली विश्राम टका उन्हां नू प्राप्त हो जांदा है। बाद विच वाहिगुरु दी प्राप्ति रूप निद खजाना उन्हां नू इस तरह मिल जांदा है। तुम कर हो दया मेरे साई, अरदास करनी है मेरे साई मेरे मालक वाहिगुरु परमेश्वर जी साडे उत्ते कृपा दी दृष्टि दया दी दृष्टि करना करो। ऐसी मत दीजा मेरे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर मालक सतगुरु परमेश्वर जी ऐसी मत उपदेश सिख्या देना करो। सदा सदा तुद त्याई, मन करके बाणी करके हमेशा ही सदा तुहानू त्याउंदे कर रहिए, चेते रखिए, कदे भुलिए ना, वाहिगुरु नू सदा याद रखिए। सिमरन द्वारा ही वाहिगुरु नू याद रखण दा सब तो वड्डा सुखैन अते श्रेष्ठ और सरल साधन है। इस करके हमेशा वाहिगुरु दे नाम नू त्याउंदे रहिए, ध्यान विच लिया के सिमरन करिए। रहाओ विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन, तुमरी कृपा ते मोह मान छूटा। जेड़े श्वास पर श्वास नाम नू त्याउंदे है और जिन्हां ने नाम दा उपदेश सतगुरु दे दर तो प्राप्त कर लिया ना, उन्हां उत्ते महाराज तुहाडी कृपा हो जांदी है। तुसी कृपा करदे हो कि मेरा जिहड़ा संसार दे पदार्थां दा शरीरां दा मोह है, अपने गुणां दा पदवी दा जिहड़ा माण हंकार है बहुता मन दे विच, इह सारा छुट जाए, इन्हां नूं इह मन तो रहत हो जाए। बिनस जाए परमाई, ये जिहड़ी माया भरमाउण वाली वाशना माया दी, इहदी भी इच्छा मन दे विच्चों बिनस जावे नाश हो जावे, ये कृपा महाराज मेरे उत्ते कर दियो। आनंद रूप रवेओ सब मदे, सारिआं दे विच जो द्वैत रूप वाहिगुरु परमेश्वर दा साकार रूप निराकार रूप दे विच व्यापक है। जात कत पेखो जाई, जिथे किथे भी ध्यान जावे सारिआं थावां दे विच्चों हे वाहिगुरु परमेश्वर तेरे ही दर्शन होण, ऐसी अवस्था मेरी बना दिओ, दात मंगदा हां। तुम दयाल कृपाल कृपा निद, महाराज तुसी पिछे भी दयालु सी हुण भी कृपालू हो, पिछे सत युग दे विच दयालता करके ध्रुव दी प्रहलाद दी रक्षा कीती, त्रेते युग दे विच भविष्ण नू राज दिता है कृपा दे घर विच आके। पतत पावन गोसाई, और हे गोसाई मालक सतगुरु जी कलयुग दे विच कौडे राक्ष वर्गे पापियां नू भी तार दिता धन गुरु नानक साहब रूप होके। इस करके महाराज पिछे भी दयालु सी और हुण कृपालू हो, हे कृपा दे निद खजाने आउण वाले समय विच भी पापियां दा ही उधार करोंगे, इस करके आप दा नाम पतत पावन है। कोट सुख आनंद राज पाए, करोड़ा सुख अते आनंद
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਖੋਂ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਈਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪ ਲਈਏ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਤ ਸਾਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਪ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਪ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤੌਣੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣਾ ਔਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਮਨ ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਫਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੁ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਲ ਤਾਂ ਛਕਾਉਣਾ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ ਛੱਛਾ ਛੋਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਨੀ ਹਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰਨੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 5 ਬਾਣੀਆਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਇਉਂ ਭਾਈ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਐਸੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭਾ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਭਗਵਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਈ ਨਾਮ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਫੁਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਵਰਤ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਅਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਅਸਲ ਰੱਜ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫੁਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
जिहड़े वाहिगुरु परमेश्वर का नाम जपते हैं। हुण नाम जपण वालियां दी अवस्था अज दी लड़ीवार कथा जो चल रही है, भगत नामदेव जी दे पावन पवित्र शब्द चल रहे हैं। सो साध संग जी, आप संगत प्रेम दे नाल सरवण करो। गोंड राग दे अंदर भगत नामदेव जी दे शब्दां दी इह व्याख्या लड़ीवार जो कथा है वह चल रही है, वो शब्द की एक शब्द की कथा आप संगतां सरवण करो कि भगतां नूं किवें तृप्ति आई वाहिगुरू का नाम जप जप के। अज दे इस लड़ीवार दे कथा दे शब्द विच यही निरणा सारा भगत नामदेव जी द्वारा सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। गोंड नाद भ्रमे जैसे मिर्गाए, गोंड राग दे विच भगत नामदेव जी दे शब्द हन साध संगत जी। इस तो पहला कबीर साहब जी दे शब्दां दी संपूर्णता होई और केवल एक शब्द नामदेव जी का संपूर्ण होया, अगला शब्द प्रारंभ हो रहा है। कहिंदे परमेश्वर का नाम किवें जपना है, परमेश्वर दे चरणां विच किवें ध्यान प्रायण रहना है। नाद भ्रमे जैसे मिर्गाए, जिमें मिर्गाए मिर्ग, नाद घंटे हेड़े शब्द के दुआले भरमदा रहिंदा, चक्कर कढ़दा रहिंदा, आले दुआले घूमदा रहिंदा। जिन्ना चिर वह घंटे हेड़े का शब्द वजदा रहिंदा ना, मिर्ग उहदे उत्ते मस्त हो के उहनू सुणदा रहिंदा, जंगल दे विचों दूरों भज के आ के उस शब्द की धुन विच अपने कन्न ला दिंदा है। इउं नाद घंटे हेड़े शब्द के दुआले घूमदा रहिंदा है। जिहड़ा नाद घंटे हेड़े का शब्द है उस दुआले मिर्ग इस तरह अपना ध्यान दे दिंदा है। प्राण तजे वाको ध्यान न जाए, प्राण तज दिंदा है, त्याग दिंदा है, भाव शिकारी उहनू घंटे हेड़े का शब्द बजा के उहनू फड़न का यह तरीका बनाउंदा है। जदों मिर्ग आ के वह घंटे हेड़े का शब्द सुनदा है ना, तो मस्त होए नूं वेख के उहनू दुनिया भुल जाती है, तो मिर्गो का शिकारी शिकार कर लैंदा, ओले बैठ के ना वह बजाई जाता मिट्टी के घड़े के उत्ते ना, पक्के दे उत्ते चमड़ा लपेट के बरीक जा शेक करके मोर का खंभ विच पा के उहनू थले ते उत्तों खिंचदा है, उहदे विचों बड़ी मिठी धुन निकलदी आ, उहनू घंटे हेड़े का शब्द कहिंदे आ। ओले बैठ के उह जदों धुन कढ़दा ना, वह मिर्ग के कन्नां विच सुनदी है, फिर उस आले दुआले उस एरिए विच गेड़े कढ़दा कढ़दा इन्ना मस्त हो जाता, उन्हूं अपना भुल जाता, अपना आपा ही भुल जाता, फिर शिकारी तीर मार के उहदा शिकार कर लैंदा, उन्हूं मार दिंदा है। इस करके भगत नामदेव जी कहिंदे आ प्राण तजे, प्राण त्याग दित्ते है, मार लिया शिकारी ने, पर वाको वाह उसका ध्यान नहीं हटिया, उस विचों ध्यान ऐन मंत्र मुग्ध होया होया जुड़िया होया है। ऐसे रामा ऐसे हेरो, कहिंदे ऐ प्राणी जे नाम जपना ना परमेश्वर दा, ध्यान लाउणा उहदे नाम विच, तां इस तरह अपने राम नू रमे होए वाहिगुरु परमेश्वर नू देखणा कर, परमेश्वर नू घंटे हेड़े दा शब्द मन, ते आप उहदे दुआले उहदे आले दुआले भाव भगती दी ध्यान दी साधना ला के रख। इस करके कहिंदे जे इस तरह वाहिगुरू परमेश्वर नू देखेगा ना, तकेगा, ते उहदे नाम विच मंत्र मुग्ध हो जाएगा। राम छोड़ चित अनत न फेरो, राम दा नाम छड़ के चित अनत होर पासे ना दुबारा दुबारा फेरो मोड़ के लाउणा कर। चलो हुण बाणी पढ़ ली, हुण दूजे पासे ध्यान ला लिया, जां बाणी पढ़द्यां पढ़द्यां मन पता नहीं किधर तो किधर ला लिया पदार्थां दे विच, अमृत वेले उठ के जपजी साहब रम कीता, मूल मंत्र टप्पिया नहीं, घर दे कम्मां विच ही ध्यान खचत कर लिया, पता ही नहीं लग्या कदों जपजी साहब पढ़िया गया, जाप साहब सवैये चौपी आनंद साहब जां सिमरन जां सुखमनी साहब दे पाठ करदे आ, जपजी साहब दे पाठ करदे आ, उह फिर पूरा फल नहीं प्राप्त हुंदा। धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकत कहन,
सुनने दे नाल साथ संग जी बख्शिश प्राप्त होगी। जिहड़ा रसना द्वारा बाणी पढ़ी है, नाम जपिया जां जाप कीता, उहनू कन्ना नाल सुनना, यही सब तो वड्डा सुखैन साधन भी है और कठिन तो कठिन भी है और बख्शिश का मार्ग भी यही है। गुरमत दे विच कन्ना नू गुरबाणी सुन दे विच जोड़ के सुरत नू एकाग्र करना, होर कोई बाहरले पासे ध्यान लाउण दी परंपरा नहीं है। इस करके ताई सारी गुरबाणी विच कलयुग दे विच सब तो सुखैन साधन परमेश्वर की प्राप्ति का नाम जपना ही दसिया, होर साधन करने बड़े कठिन। ये सुखैन तो बहुत है पर कठिन भी बड़ा। मन एकाग्र किते तो बिना सुनिया नहीं जाएगा। कोई गल तुसी सुन रहे हो ना, जे तुहाडा मन किसी गल विच सुनने विच पूरा ध्यान नहीं, तुहानू भुल जाएगी, सुनी भी अणसुनी बन जाती है। पूरी मन की जो एकाग्रता होंगी है उदों बंदा ध्यान नाल जो सुनता फिर वह गल चेते रहिंदी है, वह भुलदी नहीं है। एकाग्रता दे नाल, पूरी पूरी एकाग्रता दे नाल जाप नूं, मूल मंत्र नूं, वाहिगुरु मंत्र नूं सुनना, जदों सुन गया पूरी एकाग्रता दे विच फिर चित विच वस गया, जदों वस गया फिर परमेश्वर की याद भुलदी नहीं अठे पहर। भाई तारू सिंह साहब जी का खोपरा लह गया, मिर्ग की तरह प्राण दे दिते, पर 22 दिन जपजी साहब का पाठ नहीं भुलिया। लगातार जपजी साहब के पाठों का अभ्यास चलता ही रहा। भाई बनी सिंह जी का बंद बंद कट दिता, 8 विचों सुखनी साहब के पाठ की आवाज़ आती रही। भाई मतीदास का तन शरीर नाल चेर चीर के 2 फाकड़ा कर दित्तियां। 5 प्रवान 5 प्रधान की पौड़ी ते जदों जपजी साहब का पाठ गया, 2 शरीर के हिस्से कर दिते सन आरा फेर के जालमा ने, पर जिन्ना चर जपजी साहब संपूर्ण नहीं होया शरीर शांत नहीं होया। इस करके भाई मन की एकाग्रता नाल ही सुनिया जाता है, सुनिया होया ही सुरत विच वसदा है, सुरत विच वसिया होया ही वह फिर अगे चल के सिमरन बनता है, जदों सिमरन बन जाता फिर वह वाहिगुरु की प्राप्ति का साधन हो जाता है। फिर परमेश्वर मिलदियां मिनट भी की सकेंट भी नहीं लगता वाहिगुरु की प्राप्ति लई। इस करके भगत जी किन्ना सुंदर सानू ऐसा साधन दस रहे हैं कि अपने राम नू इस तरह देखना कर, जिमें प्राण दे दिते मिर्ग ने पर अपना ध्यान नहीं छड़िया, इस तरह वाहिगुरु नू देखना कर, राम नू छड़ के वाहिगुरु नू छड़ के चित होर ना फुरनिया विच ना फेरिया कर, मार मार के उधर नू ना घुमाई जाया कर। या इच्छा पूरी हो जाए हुण आ मिल जे, आ मिल गया हुण आ अधूरा रह गया, एवें मन दियां वाशनावां दे विच ही डुबे रहना। सिर दुखदा सी हट गया, हुण लत्तां बाहवां नहीं हटदियां, पढ़दा बाणी है, मन विच फुरने होर ही दौड़ी जांदे है। आ कम होया सी फलाना अजे होण वाला रहिंदा, इउं ही फुरनियां नूं दूजे पासे मन नूं फराई जांदा, घुमाई जांदा। मन नूं तां मोड़ मोड़ के लाउणा सी गुरु के शब्द विच परमेश्वर दे चरणां विच, लाई होर पासे ही जांदा। राम नूं वाहिगुरू नूं छड़ के चित नूं अंत होर पासे नहीं फेरना, होर पासे नहीं लाउणा है। विश्राम दे के फरमाउंदे आ, बड़े सुंदर प्रमाण दे रहे हन भगत नामदेव जी। जो मीना हेरै पसुआरा, सात संगत जी बड़ा सुंदर प्रमाण दे रहे है। पसुआरा एक दुधीरा जानवर हुंदा, पंछी नदी तो 20 फुट उच्चा उड़दा। सात संगत जी अपने खंभ जिहड़े उहनां नूं इकट्ठे कर लैंदा और जदों देखदा ना कि मच्छी बाहर आ रही है, उस वक्त जा के झपट मार के मच्छी नूं फड़ लिआउंदा। और इन्ना तेज है, तेज तराट है दुधीरा जिहड़ा पंछी है, ये मुखों धीरा 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 शब्द बोलता पर फुरतीला इन्ना
ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਧੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖ। ਪਸ਼ੂਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾ, ਬਗਲਾ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਰਾ ਦੁਧੀਰਾ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਗੱਡ ਤੇ ਹੀਰੇ ਸੁਨਾਰਾ, ਸੋਨਾ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਨਾਮ ਚੁਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡਣਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬਣਾਓ, ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਜਿਆ ਕਰੇ ਉਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਜਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੰਮੇ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਥੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਤਰਾਈ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੰਮੇ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਭਾਵ ਨੁਹਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਮੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰੀ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾਈ, ਇਹ ਮਲੰਮੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਨਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਘੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਵਿਖਈ ਹੇਰਾ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਈ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੌਡਾ ਡਾਰਤ ਹੀਰੇ ਜੁਆਰੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜੁਆਰੀਆ ਕੌਡੀਆਂ ਸਿੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਕਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੀਰੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੌਡੀਆਂ ਚੁਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕੌਡੀਆਂ ਸਿੱਟਦਿਆਂ ਸਿੱਟਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੂਏ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੁਆਰੀਆ। ਜਹ ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹ ਤਹ ਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧਕ, ਹੇ ਭਗਤ, ਹੇ ਸੰਤ, ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਰਾ ਫੰਦਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਾਈ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ।
उस विच अपने ध्यान की समृति नू जोड़ के रख किवें जिथे जिथे भी तेरी दृष्टि जांदी है सारिआं दे विच वाहिगुरू परमेश्वर की जोत नू उहदे सरूप नू ही तकना कर वेखना कर ऐसा ध्यानी बन जा भगत नामदेव जी कहंदे हर के चरण नित ध्यावै नाम हरि दे चरणां दा नित हमेशा वास्ते ध्यान ला के उहदे नाम दे भजन नू करिआ कर निता प्रति जे भजन करना तां इस तरह दा ध्यान बना के वाहिगुरू दा भजन कर जे निता प्रति हरि दे चरणां दे विच इस तरह ध्यान ला के उहदा नाम जपेगा ता नामदेव जी कहिंदे फिर हरी दे चरण जिहड़े आ तेरे हिरदे विच वस जाणगे और हरी दा ही रूप तू बन जावेंगा इस तरह वाहिगुरू दे नाम नू हमेशा ध्याया कर ऐ जीव जिस करके तेनू संत दी अवस्था प्राप्त हो जाए जे इहो जिहा ध्यान बन गया फिर तू संत बन ही गया अठे पहर दा ध्यान तेनू परमेश्वर विच जुड़न दा प्राप्त हो गया ते फिर तू संत दी पदवी नू पहुँच गया उन्हां दी संगत विच फिर जेड़ी भी तू सेवा करेगा तेरी कीती सेवा सफली है भुलां चुकां गुरु महाराज गुरु की संगत ने खिमा करनी आ परसों 1 जून तो लैके 6 जून तक तीसरा शहीदी घल्लूघारा हफ्ता सात संगत जी जदों अज तो 37 साल पहला हिंदुस्तान की जालम हुकूमत ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब से बड़ी बेरहमी दे नाल टैंकां तोपां दे नाल बड़ा भारी हमला किया और इत्थे तोपां दा गोलियां दा हवाई जहाज़ दे गोलियां दा आईयां हुईयां सिख संगतां नूं निशाना बना के छोटे छोटे भटंगियां नूं बड़ी बेरहमी नाल शहीद किया बच्चियां नूं बजुर्गां नूं मातावां नूं बीबियां नूं उह शहीदी घल्लूघारे दी वरेगंढ आपां बड़ी श्रद्धा और सत्कार नाल मनाउणी है अमर शहीद संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा अमर शहीद भाई मरीक सिंह जी बाबा ठारा सिंह जी जरनल सुबेग सिंह जी इन्हां समूह शहीदां दी याद भी आपां ताज़ा रखनी है मन दे विच जिहड़ा इह हमला होया इह कदे भुलिया जाण वाला नहीं जिद्दण आपां भुल गए उद्दण अपनी कौमी मौत है सात संगत जी इन्हां पंथ दे उत्ते होए हमलिआं नूं जदों असीं याद रखांगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾਸ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਮਾ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਤ ਧਿਆਵੈ ਨਾਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।